जय माता दी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आज अपने चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मैं देने जा रहा हूं जानकारी आपको 25 सितंबर 2018 12 राशियों का हाल के बारे में जानकारी। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका दोस्त, यदि आपको कुछ मदद कर सकूं आपके जीवन को सरल बनाने में, तो आप अपने चैनल को लाइक करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में। और जो नए जातक आए हैं वे अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो उन्हें तुरंत प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं दोस्तों मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिस्थिति में परिवर्तन ला सकता है। अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखिए, बेकार की बातों पर ध्यान ना दें। आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो इंटरव्यू देने का उचित समय है। आप इंटरव्यू देने में व्यस्त हो सकते हैं। आपका भाग्य अंक आज का ठीक रहने वाला है और भाग्य अंक आपका यहाँ पर करीब करीब 90% काम करेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन गुस्से पे काबू रखने का दिन है। आज छोटी मोटी बहस ना करें, उसमें उलझकर अपना समय बर्बाद ना करें, लेकिन अपने धैर्य से काम लें। आप सही प्रोफेशन व्यवहार करें तो आपके सभी काम आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज प्रोफेशनली रूप से व्यवहार करना चाहिए। भाग्य अंक उनका यहाँ पर 70% रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो जरूरत पड़ी तो आज आप अपने मित्र या रिश्तेदार को किसी भी प्रकार की सहायता देने में पीछे नहीं हटेंगे। आज आप मदद करते हुए नजर आ रहे हैं अपने दोस्तों के, अपने समाज के, अपने रिश्तेदार या नातेदार की। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी सेहत पर आपने ध्यान रखना है। भाग्य अंक आपका यहाँ पे 70% काम करेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए कोई निर्णय आपको थोड़ी सी चिंता में डाल सकता है, जिस कारण से आप कुछ उलझन में पड़ सकते हैं और उस निर्णय पर पुनः विचार कर सकते हैं। व्यापारिक स्थिति में आज आपका अनुशासन के साथ अगर कार्य करें तो उत्तम दिखाई देता है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक के हिसाब से बढ़िया रहने वाला है और भाग्य अंक आपका करीब करीब 75% रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत भाग्यशाली है। आसपास के लोगों को भी ऐसा ही लगेगा कि आज आपकी मदद करनी चाहिए और लोगों के बीच में आप प्रिय बने रहेंगे। आज भाग्यशाली आप साबित होंगे अपने मित्रों के लिए एवं अपने पार्टनर्स के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है, इसलिए भाग्य अंक भी बहुत बढ़िया है, 90% रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आज बढ़िया सोचा विचार के साथ, सूझबूझ के साथ आज अपने भविष्य में आप धन का लाभ कमाएंगे। अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करेंगे। अपने काम करते हुए लोगों को बहुत ही सुखद अनुभव भी कराएंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम और मंगलमय रहने वाला है। भाग्य अंक 90% रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए आज सौभाग्य के दिन है। आज मन चाहे लक्ष्यों को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिना किसी कठिनाई के साथ अपने लक्ष्यों को आज आप पा लेंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति और एकाग्रता के साथ आज कार्य कीजिए तो आज आपके लिए मंगलमय दिन रहने वाला है। भाग्य अंक आपका यहाँ पर 80% रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने की मदद मिलेगी। अपने नेतृत्व कुशलता एवं कला के कारण आज कुछ खास बात बनती हुई नजर आ रही है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है और भाग्य अंक भी आज आपका उत्तम 90% रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए आज कुछ एक प्रयोग आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। नए प्रोजेक्ट आप शुरू करने का अच्छा समय नहीं है, तो इसको कुछ समय के लिए टाल दीजिए। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यवसाय को फैलाने का दिन भी नहीं है। तो आज कुल मिलाकर अगर देखिए तो धनु राशि के जातकों के लिए उत्तम दिन नहीं रहने वाला है। भाग्य अंक भी कम है, 60% ही भाग्य अंक है।
अब बात करते हैं हम लोग मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों के लिए मेहनत, ईमानदारी, प्रशंसा, हालांकि अपने सभी कैरियर को आगे ले जाने के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे, कुशलता और तकनीक पर आप निर्भर रहेंगे। अनुभव के साथ अपने व्यवसाय को लक्ष्य में प्राप्ति कराने में आज आपको पूर्णतः कामयाबी मिलेगी, परंतु भाग्य अंक आपका आज कम है जो कि 65% रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज नज़दीकी और जज्बाती उफान आज आएगा, रिश्तों में गर्माहट महसूस करेंगे। किसी पुराने रिश्ते में आज थोड़ी सी गर्मजोशी आती हुई दिखाई देगी। भावनाओं को खुलकर जाहिर कीजिए और दूसरों को सुनने का प्रयत्न भी कीजिए। आज आपका भाग्य अंक भी अच्छा है, करीब करीब 80% काम करेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो आज प्रस्ताव अच्छे आएंगे, प्रारंभिक रुकावट के बाद आपको सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। नवीन कार्यों की शुरुआत करेंगे। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए आज सकारात्मक सोच विचार के साथ ध्यान से आप आगे बढ़िए। सभी प्रकार से आज आपका दिन मंगलमय होगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता।